इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज 27 अक्टूबर 2022 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। जयपुर युवा शिक्षा अवसर NIT IIIT, नौकरी में देरी, 3 साल पहले निकाली थी भर्ती, इंटरव्यू तक नहीं हो पाए, प्रक्रिया अटकी। AFSO के 98 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, अब नई पोस्ट के लिए मांगे आवेदन, 1 नवंबर से कर सकेंगे आवेदन, 200 पदों पर होनी है RPSC में भर्ती। अजमेर युवा शिक्षा अवसर, बीकानेर युवा शिक्षा अवसर, डूंगर कॉलेज में MSc की मेरिट रहेगी सबसे हाई, 280 सीटों पर 1688 आवेदन। UGC की नई गाइडलाइन के अनुसार शुरू UG और PG मेन कोर्स के साथ कर सकेंगे सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स। कोटा युवा शिक्षा अवसर, कोटा विश्वविद्यालय में 2 साल बाद अब वापस पेपर 3 घंटे का होगा, PG का सिलेबस भी बदला। बेरोजगारों का धरना स्थगित, शिक्षा मंत्री BD कल्ला से करेंगे मुलाकात, जयपुर पत्रिका। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती Level 2 के पद बढ़ाने की मांग को लेकर 28 अक्टूबर को शहीद स्मारक पर दिया जाने वाला धरना स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता हनुमान किसान ने बताया कि पुलिस ने धरने की अनुमति नहीं दी है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 28 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री BD कल्ला से मुलाकात कराई जाएगी, यहां पद बढ़ाने को लेकर वार्ता होगी, अगर वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला तो शहीद स्मारक पर धरना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से वार्ता पर अड़े बेरोजगार, बोले संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं। गुजरात में बेरोजगारों का आंदोलन 25वें दिन जारी, शिक्षक भर्ती Level 2 में पद बढ़ाने की मांग, भास्कर न्यूज। परीक्षाओं से होगी 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, RPSC नवंबर से मई तक होगी कई प्रतियोगी परीक्षाएं। RPSC संस्कृत शिक्षा फर्स्ट ग्रेड नवंबर से एवं सेकंड ग्रेड दिसंबर से। लेक्चर संस्कृत शिक्षा के 102 पदों पर होगी भर्ती, 15 से 17 नवंबर तक अजमेर, जोधपुर और जयपुर में होगा एग्जाम। हुकनामा समाचार, PTI भर्ती, एक अभ्यर्थी का TSP व नॉन TSP में चयन को लेकर विवाद, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। ASO एग्जाम 2021 पात्रता जांच अगले महीने जयपुर। सिपाही भर्ती फिजिकल टेस्ट कल से, कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में एक पद खाली रखा जाए, राजस्थान हाई कोर्ट। पहली बार प्रिंसिपलों की काउंसलिंग ऑनलाइन, 1675 स्कूलों के पद भरेंगे, विकल्प आज ही भरे जाएंगे, बीकानेर शिक्षा विभाग। पूरक परीक्षा के फॉर्म 28 तक भर सकेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 नवंबर को, ऊर्जा विभाग में 70 पदों पर निकली भर्ती।
सीबीएसई की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी से, एनआईटी और आईआईटी की 8,759 सीटें खाली, अब सीएसबी काउंसलिंग से भरेगी सीटें। शास्त्री और आचार्य पाठ्यक्रम में दाखिले की प्रक्रिया 31 तक। नवज्योति इग्नू में 31 तक भरे परीक्षा फॉर्म, सेट स्नातक लेवल के लिए आवेदन 31 तक, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आवेदन 31 से, परीक्षा 18 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर, अजमेर। नवज्योति नेट यूजी विद्या संबल योजना के कॉलेज शिक्षक बोले बेरोजगारों के साथ छलावा। विद्यार्थियों अभिभावकों की परेशानी हुई दूर, 5वीं से 8वीं तक विद्यार्थियों को स्कूल से मिलेंगे मूल निवास। नवज्योति उदयपुर मुख्यमंत्री ने किया प्रस्ताव का अनुमोदन, प्रदेश के 344 आवासीय विद्यालयों में स्थापित होगी डिजिटल लाइब्रेरी। संदेश न्यूज जयपुर सीबीएसई सीटेट के ऑनलाइन पंजीयन 31 से, आधा सत्र बीता स्कूल की ड्रेस है कि अब तक नहीं मिली, राजस्थान पत्रिका 12। नीट यूजी 2022 रिपोर्टिंग व ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि कल, राजस्थान पत्रिका कोटा। पाली भास्कर न्यूज 3 महीने बाद पदस्थापन प्रक्रिया शुरू, 20 जिलों में 80% पद भरेंगे। पदोन्नति प्रिंसिपल को स्कूल चुनने के लिए 700 से ज्यादा ऑप्शन भरने होंगे। स्कूलों में नवंबर के पहले सप्ताह से होंगे खेलकूद, 4 चरणों में होगी 50 स्पर्धाएं। शिक्षा विभाग खेल कैलेंडर जारी, 1 दिन पहले उपस्थिति जरूरी। झुंझुनू 8वीं तक के 1.68 लाख स्टूडेंट्स को 2 यूनिफॉर्म का कपड़ा 15 नवंबर तक वितरित होगा, सिलाई के लिए मिलेंगे सिर्फ 200 रुपये। सीबीएसई बोर्ड प्रदेश के 436 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश 1 नवंबर से, भीलवाड़ा भास्कर न्यूज़।